वो ताजा तरीन खबर देंगे लाहौर से। तहरीक इंसाफ के साबिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल का अहम रहनुमाओं को नोटिस। जस्टिस रिटायर्ड वजुद्दीन ने जहांगे तरीन और नादर लगारी को पार्टी से निकालने का फैसला दे दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस अहम खबर से। वज़ीर आला परवेज खटक और अब्दुल अलीम खान को भी नोटिस दिए गए हैं। मजीद जानेंगे, वासिफ हमारे साथ मौजूद हैं। वासिफ महमूद, आगाह कीजिएगा इस खबर के बारे में। जी बिल्कुल, ये तहरीक इंसाफ के अंदर एक बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई है, जिसमें जो जस्टिस रिटायर्ड वजुहुद्दीन जो जिनका जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के ये हेड थे, लेकिन कुछ ऐसा कौल इमरान खान ने इनको इसके इनके ओहदे से उतार दिया कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जो काम था वो मुकम्मल हो चुका था और जो इंटर पार्टी इलेक्शन के अंदर जो बेजाबतियां हुई, जो धांधली की गई, उसके हवाले से ये तहकीकात कर रहे थे। तो आज उन्होंने अपने यकतरफा फैसले के अंदर जो अब्दुल अलीम खान लाहौर के सदर हैं और वजीर खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक उनकी दोस्ती जो बुनियादी रुकनियत है पार्टी से वो खत्म कर दी है, जबकि साथ ही साथ जो नादिर लगारी हैं उनको भी पार्टी से निकालने का उन्होंने हुक्म साबित कर दिया, जिसके साथ साथ जो आरिफ अलवी हैं, सैफ खान नियाजी और कासिम खान सूरी इनके इनको भी जो नोटिस हैं वो इलेक्शन साबिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानेब से जारी कर दिए गए। लेकिन साथ ही जो इमरान खान के जो तर्जुमान है तहरीक इंसाफ के जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं नईम उल हक, उनका ये कहना है कि ये तमाम जो कार्रवाई की गई ये गैर कानूनी है। ठीक है वासिफ, बहुत शुक्रिया, हमें अपडेट कर रहे थे तहरीक इंसाफ के साबिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल का अहम रहनुमाओं को नोटिस।